We are not less than any McDonald's and you know other English dominated menus. मैं इस वक्त हूँ रमेश्वर कैफे, जो सबसे पॉपुलर कैफे है बेंगलुरु के अंदर और जिसकी सेल्स फिगर्स आपको चेंज कर करके सारे इन्फ्लुएंसर्स दिखा रहे हैं और आपको बताते हैं, लेकिन असली ये लोग हैं जो खाना खा रहे हैं। देखो लाइन लगी हुई है, यहाँ पे लंबी लाइन लगती है, भीड़ देखो। और आज सैटरडे है, लोग जाम होकर लग रहे हैं वहाँ पे, प्लेट लेके बैठे हुए हैं, यहाँ पे सड़क पे बैठे हैं, बेंच पे बैठे हैं, सीढ़ी पे बैठे हुए हैं लोग। अगर आप अपनी गाड़ी में भी आ रहे हो तो डोंट वरी, दे हैव अ वैले पार्किंग ऑल्सो। और ये नहीं है कि ये मॉडर्नाइज हुई, जैसे आप मैकडॉनल्ड्स पर जाके यहाँ पे टच स्क्रीन पर ऑर्डर करते हो, इन्होंने भी वो चीज़ कर रखी है। और देखो सब कुछ इन्होंने QSR जैसा कर रखा है। सो यहाँ पे देखो ये इनकी ओपन किचन है, राइट। अभी हम अंदर से भी आपको दिखाएंगे किचन में कैसे ये मैनेज करते हैं इतने सारे लोग। एनी गिवन टाइम यहाँ पे इतना रश रहता है, अगर यहाँ पे खाना खाना हो तो यहाँ पे क्यों, फिर यहाँ पे क्यों। और देखो आपको प्राइस भी दिखाता हूँ इन सब चीज़ों के। वड़ा सबसे सस्ती चीज़ जो पूरे मेन्यू में, वड़ा है फॉर 40 रुपये, मिनी इडली 60 रुपये, मतलब अनबिलीवेबल प्राइसेस। घी इडली 60, इडली 35 रुपये। और जो डोसा है ना वो रात को 5 AM to 1 AM, मतलब सुबह से लेकर रात को तब होता है। वो फिल्टर कॉफ़ी भी देखो, 2500 रुपये की फिल्टर कॉफ़ी है। एंड कितना कुछ है, बिसेबिले बात है। तो दिस इज द साउथ इंडियन, द बेंगलुरु फूड हेवन एक्चुअली। सो गाइज हम आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं द बिहाइंड द सीन, हसल एंड बसल जो चलता है। तो यहाँ पे देखो एक साथ दे आर सो मैनी स्टेशन एंड इट्स ऑल मॉडर्नाइज वे टू मेक डोसा। इनके स्पेशल स्प्रेज है जिससे ये तवा साफ करते हैं, एंड दीज आर 4 बिग आयरन तवा। द शॉट, द मनी शॉट, दिस इज द मनी शॉट गाइस। प्योर काओ देसी घी, मतलब ये अलग ही मजा है। मतलब देसी घी में बना हुआ डोसा खाने का अलग ही मजा है। विथ डोसा इज कुकिंग नाउ, ओके। घी पूरी मसाला, ओके okay. And this is putting the, that the same thing, aloo. Yeah. You don't add haldi to aloo paneer. Wow. Yeah, actually magic guys. ये देख के तो मेरे मुंह में पानी आ गया। Now they are folding. Wow. ये है, मैं आपको बताता हूँ, यही ऐसा डोसा ना, मतलब not so good quality, हम दिल्ली में खाते 300 रुपये का। 120. I pay 3x more. You never know, I will shift to Bengaluru for this dosa. And देखो hygiene का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, सारा modern तरीका है यहाँ पर सारा काम करने का। They have modernized everything. अब ये जाएगा steamer में इनका। They have the normal steamer and they have a very old school steamer which is आपका ये copper वाला। तो ये देखो ये गया है, और ये जो है ये copper steamer भी है इनका। ये देखो ये कॉपर स्टीमर है, इसमें ये ताते इडली बना रहे हैं। ताते इज द साइज ऑफ अ प्लेट, की पूरी इडली का जो साइज है वो प्लेट जितना है, दैट्स कॉल्ड ताते। सो गाइस दिस इज वेयर द अनदर मैजिक हैपेंस। ये है आपका कॉफी सेक्शन, एंड नो ब्रेकफास्ट इन बेंगलुरु इज फिनिश्ड विदाउट फिल्टर कॉफी। तो क्या होता है फिल्टर, ओके, इट्स अ फिल्टर। तो ये बड़ा फिल्टर है, इसके ऊपर क्या होता है कि यहाँ पे छन्नी में थोड़े थोड़े छेद होते हैं, ऊपर से गर्म पानी डालते हैं, जो कॉफ़ी है वो बिल्कुल स्लो ड्रिप होती है प्रोसेस में, और यहाँ पे डिकॉक्शन नीचे रहता है, और नीचे हीटर लगा कि वो गर्म रहे और थोड़ा रिड्यूस होते रहे। तो दिस इज हाउ दे मेक द डिकॉक्शन। और फिर यहाँ पे उसको फ्रॉड करा जाता है, बिना फ्रॉड के कॉफ़ी का मज़ा नहीं आता। जैसे कैपेचिनो में फ्रॉड होती है, इसमें भी एक अलग से फ्रॉड होती है विच गिव्स इट्स अ डिस्टिंक्ट फ्लेवर एंड टेक्सचर टू द फिल्टर कॉफ़ी। तो ये देखो पीछे जो है ये दूध को रिड्यूस करते हैं, एंड इसको रिड्यूस करते हैं तभी इसको फ्रॉटिंग करते हैं। तो रिड्यूस करके इसमें थोड़ा बहुत गाढ़ा होता है फिल्टर कॉफ़ी के लिए। हमारे साथ ओनर है द रमेश्वर कैफ़े के, जो इस वक्त सबसे बजिंग जगह है पूरे इंडिया में। मतलब इन्होंने जो स्टार्टअप कर दिया है वो मैकडॉनल्ड्स, KFC, किसी ब्रांड ने नहीं सोचा होगा कि ऐसा स्टार्टअप वो भी देसी फूड का कर सकते हैं। तो राघव, व्हाट वाज योर विजन बिहाइंड दिस थिंग? वी जस्ट वांट टू से वी आर नॉट लेस देन एनी मैकडॉनल्ड्स एंड यू नो अदर इंग्लिश डोमिनेटेड मेनूज। We represent India, we represent South Indian food. We want to represent our culture.
We want to spread our love across the globe. And what is the link with Dr. Abdul J. Kalam? Yeah, he always, Mr. Abdul Kalam, he always says, having a small dream is a crime. So we are just, you know, like follow his words, and we're all his big followers. We are inspired by Mr. APJ. So only the Rameshwaram Cafe. And I have heard that here at 5 o'clock, national anthem gaate hai, aur even jo customer hai, wo participate karte hai. Yes, sir. It's our pride to sing national anthem. And we start our day with national anthem. And that's what we wanted to say. We are true Indians. And we want to spread our culture. So you have 4 outlets right now. Haan ji. और जो ये सेल का फिगर आ रहे हैं, ये क्या चक्कर है? सो आई एम सॉरी, वी आर नॉट बिहाइंड सेल्स. वी जस्ट वांट टू एंटरटेन आवर कस्टमर. वी वांट टू मेक देम हैप्पी हु ओवर कम्स. तो ये कैलकुलेशन आई कैसे बाहर? मतलब हाउ आर पीपल कैलकुलेटिंग द फिगर्स? वो आई दैट आई डोंट नो. एवरीबॉडी हैव देयर ओन स्टोरी. आई थिंक खाने की जगह उसके सेल से ज्यादा टेस्ट पे होती है. फूड लुक्स यम. एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम. एंड वी होप कि आपके भी 100-200 स्टोर्स हो ऑल ओवर इंडिया. ये आपका सब आशीर्वाद है. तो वी लव यू ऑल एंड थैंक यू फॉर योर लव. इट्स अवर ग्रैटिट्यूड एंड एंजॉय योर फूड. एनी थिंग्स यू नो, वी आर ऑलवेज देयर टू करेक्ट अवर सेल्फ. सो थैंक यू. सो वी शुड इंकरेज आर लोकल स्टार्टअप्स जो बड़े बड़े जायंट्स को टक्कर दे सकते हैं. एंड दिस फूड शोज के क्या और कितने रीजनल प्राइस में ये दे रहे हैं. थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम. अब हम टेस्ट करते हैं. विल नॉट टेक मच ऑफ इस टाइम बिकॉज यू हैव टू रन द शो ऑल्सो. एंड हम फूड खा के आपको बताएंगे कि इसका टेस्ट क्या है और क्या क्या आपको ऑर्डर करना चाहिए जब आप यहाँ पे आओ या कि किसी ब्रांच में जाओ. नेक्स्ट आउटलेट ये खोल रहे हैं हैदराबाद. सो पीपल इन हैदराबाद, डू लुक फॉर दिस प्लेस. सो गाइस, पहले बटर इडली टेस्ट करते हैं. वाओ, चटनी. ये है पोंगल. दिस लुक्स यम. क्योंकि टोमेटो चटनी है वो भी काफ़ी अच्छी है. और मेन अगर बेंगलुरु आओ तो ये इडली जरूर खाओ यार. दिस इज द यूनिक प्रोडक्ट ऑफ बेंगलुरु. जो पोड़ी मसाला है ना विद देसी घी, वाह, वो सब कुछ फिल्टर कॉफी के साथ जाता है यहाँ पे. हाँ हाँ, इसकी मेकिंग देखी थी मैंने. आई एम वेरी एक्साइटेड टू टेस्ट दिस थिंग आल्सो. ओपन डोसा है, मल्टीपल लेयर्स है इसमें. ये इसमें देखो, लाल चटनी, टोमेटो, गार्लिक, कोकोनट चटनी विद कोरिएंडर, ये भी कुछ है. इसमें कन्फ्यूजन है. ये है आपका कोरमा. सुपर टेस्ट. इतना लोडेड डोसा एट सच अ प्राइस. ये है आपकी मेथी पोंगल. मुझको तो यहाँ का फूड काफ़ी अच्छा लगा. आप जब भी आओ यहाँ पे जरूर आओ फॉर द फूड. फूड इज quite cheap, quite economical, I would say, and you get lots of flavor.